हमें जो ना वो एक बकरे की तलाश है, तो अभी हम देखते हैं कि बकरे यहाँ पे किस रेट पे दे रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, सोमाली बकरा जो है ना वो 650 से स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत छोटा सा होता है, और जो बड़ा बकरा है ना वो तकरीबन 1200 to 1800 की, ये सही है 6000 रियाल की जो है ना ये एक काओ है। और ये वाली कितनी खूबसूरत है, क्योंकि वैरायटी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये देखें ये सारे बकरे। अच्छा हमें जो है ना पसंद आया ये ब्राउन और वाइट कलर का जो बकरा है ना, ये वाला फ्रेश होता है ना, उसका टेस्ट खट्टा ही होता है। इसकी ना इतनी क्यूट सी छोटी सी बॉटल है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। चलो अब्दुलरहमान तुम्हारी डेस्टिनेशन आ गई है, अब्दुलरहमान तुम चले जाओगे ना? ठीक है, अच्छा पहुँच के कॉल कर देना, सही है? चलो जी, अब्दुलरहमान तो गया, अब्दुलरहमान को हमने ड्रॉप कर दिया है मेट्रो स्टेशन पे, वो जाएगा अपने फ्रेंड के पास, कैटल फार्म जाएंगे, उसके बाद अफरा को भी हमने ड्रॉप करना है दारुसलाम मॉल में। हाँ भाई अफरा, आप बताओ क्या आप हैप्पी हो अपने फ्रेंड के साथ जाने के लिए, एक्साइटेड हो? ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू द चैनल मेहर गुड लाइफ। और आज का जो व्लॉग है ना आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, हमारे साथ उतना ही इंजॉय करना है जितना हमने इंजॉय किया ये व्लॉग बनाने में। जब भी बकरा ईद आती है तो सारे जो है ना रुख करते हैं बकरा मंडी का, तो पाकिस्तान हो गया या अपने जितने भी ममालिक हो गए सब लोग जाके विज़िट करते हैं, इंजॉय करते हैं बच्चे बड़े, तो इसी तरह हम भी जाते हैं कैटल मार्केट। और यहाँ कतर की कैटल मार्केट कैसी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में, तो चलें चलते हैं। ये जो दोहा एक्सप्रेसवे है उसके साथ ही ये पेट्रोल स्टेशन है, और यहाँ से अगर आप आएंगे ना यहाँ पे तो ये राउंड अबाउट है, और राउंड अबाउट्स के आगे ही अगर आप जाएंगे तो होलसेल मार्केट आपको नज़र आएगी। लगता तो है कि ये बंद है मार्केट, अभी चेक करते हैं नेक्स्ट गेट से, क्या पता ओपन हो। आज चूँकि फ्राइडे है तो कुछ कह नहीं सकते कि ओपन है या नहीं है। ओपन है, हाँ ये है, यहाँ से ओपन है। चले अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। चले जी, स्टार्टिंग में यहाँ पे आ गए हैं बड़े बड़े एनिमल, इनके काओ हैं ब्राउन कलर की, बहुत ही प्यारी सी ये काओ है, और इनके रेट्स भी हम पता करेंगे कि क्या है। इस तरफ को जो है ना शीप्स हैं, गाड़ियाँ अंदर भी आई हुई हैं। हाँ अच्छा, गर्मी नहीं है आज इतनी है ना, अभी सही है मौसम। इनकी प्राइस पता करना कितनी है। हाँ ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखो कितनी प्यारी है ना, सारी ब्राउन कलर की हैं। चलें जी मार्केट का विज़िट करते हैं, प्राइसेस चेक करते हैं, और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या क्या प्राइसेस हैं यहाँ पे। और जानवर जो है ना बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज वेदर जो है ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, हवा भी चल रही है। हमें जो है ना वो एक बकरे की तलाश है, तो अभी हम देखते हैं कि बकरे यहाँ पे किस रेट पे दे रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये देखिए ये बकरे आ गए हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे से माशाल्लाह से, ये सारे बकरे हैं। तो ये वाला सोमाली बकरा है छोटा, इसकी प्राइस क्या है? 650 छोटा है ना ये। ये सारे शीप्स हैं यहाँ पे, शीप्स की क्या प्राइस है, शीप्स की क्या प्राइस है? हाँ इनका महंगा है, कितना है? सोलह सौ रियाल। इनकी प्राइसेस जो है ना 1200 से लेकर 1600 रियाल है। अच्छा जी, सोमाली बकरा जो है ना वो 650 से स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत छोटा सा होता है, और जो बड़ा बकरा है ना वो तकरीबन 1200 to 1800 के बीच में है। इसके अलावा जो है ना जो लैम है ना वो मिल रहा है आपको 1200 to 1800, तो प्राइस रेंज ये चल रही है यहाँ पे। जानवर ना काफ़ी कम कम है, इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है कि छोटे छोटे से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, बड़े जानवर कम हैं। अच्छा यहाँ पर सोमाली बकरे बहुत ज़्यादा है ना, छोटे छोटे से जो होते हैं 650 के 600 के। वाह ये वाले शीप्स कितने क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से, ये सारे शीप्स हैं। अच्छा ये बोल रहा है। बकरों की वैरायटी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये देखें ये सारे बकरे,
हाँ वाइट वाला कितने का? कितने तक? वाइट वाला 1150। कितना? 45 kg। ये वाला बकरा बहुत प्यारा है, ब्राउन और वाइट कलर का। ये वाला बकरा बहुत ही प्यारा है। अच्छा हमें जो है ना पसंद आया ये ब्राउन और वाइट कलर का जो बकरा है ना, ये वाला, इसकी प्राइस जो है ना वो 1650 है। बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। ये वाला इतना क्यूट है ना, इसके बाल देखें आगे से कैसे प्यारे से हैं। हेयर कटिंग इसकी बहुत अच्छी हुई हुई है, हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा है इसका। ब्राउन वाला पूछे वो बड़ा सा जो है, इसकी क्या प्राइस है? 1850। दो या चार है? चार चार अच्छा यहाँ पे जो ना शॉप्स भी हैं जो कि बकरों के चारे वगैरह और सारा कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ से आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और इस तरफ को जो है ना ये कैटल मार्केट है सारी, तो शीप्स और जो बकरे ना गोट वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। इसके अलावा भी हमने जो ना काओ की प्राइस नहीं पता की कि कितनी है, तो वो भी मैं आपको भी पता करके ना बताती हूँ। इनको इन्होंने ओपन रखा हुआ है, ये आराम से बैठे हैं, भाग नहीं रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ओपन है सारे लैम्प्स, कैसे लाइन अप होके खड़े हुए हैं सारे, बहुत ही प्यारे से क्यूट से कुर्बानी के जानवर। चलें जी अभी हम चल रहे हैं काओ मंडी की तरफ, हम उसके रेट्स पता करते हैं कि बछिया की क्या रेट है और जो बड़ा काओ होता है उसकी क्या रेट है। हाँ यहाँ पे काओ आ गए, ये बछिया हैं छोटे वाले, ये छोटे छोटे बछिए, ये इतना क्यूट है ब्लैक वाला। वहाँ देखो अफरा, देखो ये छोटा क्यूट सा, सुने वो देखें कितना प्यारा है छोटा सा। उसकी अम्मा आ गई है उसकी मामा आ गई लड़ने के लिए कि मेरे बेबी को कौन कुछ कह रहा है। वो ऑस्ट्रेलियन काओ है, वो जो ब्लैक और वाइट है ना पीछे, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से। चलो काओ, ये वाला जो काओ है ना ये ऊंट की तरह लग रहा है थोड़ा सा। ये भी सारी काओ हैं, कितने का ये? 6000। हाँ ये सही है, 6000 रियाल की जो है ना ये एक काओ है। और ये वाली कितनी खूबसूरत है, ये वाली वाइट सी है प्यारी सी। चले जी काओ के जो रेट्स हैं ना वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अच्छा इसके अलावा हमने पता किया था तो यहाँ पे कैमल जो है ना वो नहीं है, कैमल की जो मंडी है वो शायद कहीं और पे होगी, तो इसलिए यहाँ पे तो नहीं है। वाह ये कितना प्यारा है ना, ये ऑस्ट्रेलियन है, बहुत बड़ा सा है, ह्यूज है, ह्यूज। वो देखिए वो वाला कितना मोटा है पीछे माशाल्लाह से, ये मुझे ये ऊँचा बहुत है ये वाला, वो वाला छोटा है। चलें जी ये है हॉर्स का सेक्शन, यहाँ पे आई थिंक कोई आया हुआ भी है जो परचेज कर रहा है ये हॉर्स। हॉर्स जो है ना वो वैसे ही रखे हुए हैं इन्होंने बेचने के लिए। ये हॉर्स है, ये वाला कितना क्यूट है, ये वाला छोटा सा, बहुत छोटा सा है। ये देखो वहाँ, ओ कितना क्यूट है, छोटा सा बिल्कुल, बेबी काओ। इसको तो दिल कर उठा लो ऐसे बकरे की तरह ना, छोटा सा बिल्कुल क्यूट सा है बिल्कुल। चलें जी मंडी जो है विजिट कर ली है, वापस चलते हैं घर की तरफ। और जूतियाँ जो है ना हमारी सारी गंदी हो चुकी हैं, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, मंडी हमने विजिट कर ली, अब चलते हैं। चलें जी पानी पीते हैं अभी ठंडा ठंडा, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं देखने के लिए। अभी नहीं रश होगा, वो आखिरी दिन होगा। हाँ ये तो है, आखिरी दिन ज़्यादा होगा। अभी सब विजिट करने के लिए आ रहे हैं। इधर भी गायें हैं बड़ी बड़ी, और ये भी गायें हैं, हैं अच्छे प्यारे जानवर ना, साफ सुथरे। ये वही वाली मार्केट है जहां हम आए थे लास्ट टाइम, याद है जहां पे वो अबाया मार्केट थी ना, सस्ती अबाया मार्केट थी, और वो सारा ये वही है। हाँ ये वही है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। हाँ चाय पीने का मूड है अभी गर्मी में,
ठंडा चाहिए, जूस वगैरह ले सकते हैं। चले जूस लेते हैं, चाय देखते हैं, चाय लेते हैं। ओके चलो, ये वही वाली मार्केट है जिसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, जहाँ पे बहुत सस्ते अबाये हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं होम से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आप आके विजिट कर सकते हैं। चलें जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम पियेंगे जूस। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अवेलेबिलिटी है, क्या जूस हम पी सकते हैं यहाँ से। तो हस्बैंड जाना भी पता करने के लिए गए हुए हैं कि मेन्यू उनके पास क्या है। बाकी खाना भी हम लोग खा के आए हैं अच्छे से, तो भूख बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हम जूस लेंगे। चलें भाई, जूस तो इधर से नहीं मिला, अभी हम कहीं और से जाके पियेंगे। हाँ बाहर से लेते हैं, पेट्रोल स्टेशन पे ना फिर भी चलता है। सारे लोग जो है ना वो जानवरों के लिए आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, फैमिलीज के साथ आ रहे हैं और बच्चे और बड़े सारे इंजॉय कर रहे हैं। मैच चल रहा है गर्मी में। हाँ यहाँ से ले लेते हैं, सिद्रा से। सिद्रा के साथ भी यहाँ पे शॉप्स होती है ना, टी टाइम है यहाँ पे, वो देखें टी टाइम से ले लेते हैं। टी टाइम में तो डेफिनेटली मिल जाएगा हमें जूस। अच्छा बाबा टी भी है इसके साथ, आपकी बाबा के नाम की टी भी यहाँ पे है, वक्तल चाय के साथ। ऑरेंज जूस पीने का मूड था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑरेंज जूस मिल गया है। आप इतनी गर्मी में पी रहे चाय, क्रेजी चल रहा है भी, क्या करें। फिर भी अभी इस तरह के गर्म वेदर में तो दिल करता है कि कुछ ठंडा पिए हम। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाओ। इसकी ना इतनी क्यूट सी छोटी सी बॉटल है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरा होल्डर है, कितना हो गया कार्ड ले दे। चलो बाबा की टी आ गई है, मेरा और महा का आ गया ऑरेंज जूस, और अफ्रा का आ गया है कॉकटेल। चलो अफ्रा एंजॉय करो अपना कॉकटेल। महा ये ले लो अपना जूस। फ्रूट नहीं है, हाँ जूस हो गया, हमने वो नहीं बोला फ्रूट कॉकटेल। हाँ उसको लगा कि शायद ये फ्रूट फ्रेश होता है ना, उसका टेस्ट खट्टा ही होता है खट्टा लेकिन बहुत ही मज़े का। अच्छा ये वाकरा का एरिया है, वाकरा सिटी है, और यहाँ पे शॉप सारी खाली हैं, ये न्यू बनी है सारी। ये वाली मॉस्क देखें कितनी खूबसूरत है, वाकरा की बड़ी मॉस्क है। एक और मॉस्क है जो इसके आगे है, वो भी बहुत प्यारी है, बहुत बड़ी सी है। इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे है सूप वाकरा, यहाँ से हम कुकू का बाजरा भी लेते हैं। बर्ड्स मार्केट है ये वाली सारी, और इसके पीछे जो है ना वो समंदर भी है। ये वाली मॉस्क देखें ये कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, बड़ी सी। अच्छा जी ये वाला जो ब्रिज है ना ये भी न्यू बनाया है, सॉरी अंडर पास है, ये भी न्यू बनाया है। इसके साथ ही जो है ना ये वाला जो स्टेशन है ना वाकरा का, ये बहुत ही बड़ा है मेट्रो का जो स्टेशन है। ये वाला जो स्टेशन है ना जहाँ पे हमने अब्दुलरहमान को उतारा था, तो ये वाला जो है ये है एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वाला एयरपोर्ट, ये है बिल्कुल सामने, न्यू एयरपोर्ट है ये। और जो पुराना वाला है ना वो यहाँ से सीधा जाके थोड़ा सा फासले पर है। ये वाला जो स्टेशन है ना ये मेट्रो का एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वाला है। अच्छा ये जो है ना सामने ये था पुराना एयरपोर्ट, तो ये साथ साथ ही है न्यू एयरपोर्ट और पुराना जो एयरपोर्ट है ना। चलें जी ये देखें, ये जा रही है ट्रेन, ये सामने 15 पे ना, 15:20 हाँ 6:15 पे मगरिब हो जाएगी, तो सूरज जो है ना वो भी ग़ुरूब होने वाला है थोड़ी देर में। और सामने देखें ये वाला जो है ना ये है थुमामा स्टेडियम, फीफा वर्ल्ड कप में जो स्टेडियम बने थे उसमें से एक स्टेडियम ये भी था, और ये जो है ना वो टोपी के स्टाइल पे बना हुआ स्टेडियम है। ये जो है ना ये है थुमामा स्टेडियम, अब आपको जो है ना क्लियर तौर पर नज़र आ रहा होगा। सनसेट का जो व्यू है बहुत ही प्यारा है, अभी तो ऊपर ऐसा ना अभी नीचे नहीं गया, लेकिन अभी से ही बहुत प्यारा सा व्यू है। लाइट्स जो हैं अब ऑन हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि अब शाम होने वाली है बिल्कुल। जानवरों के जो रेट्स हैं ठीक है, ज़्यादा नहीं है ओके, पर ये मुझे लगता है कि पिछले पिछले साल की नस्बत जो है ना इस साल मुझे रेट्स कम लगे हैं, या तो फिर ये कि लैम के जो रेट्स हैं ना वो जो है वो ज़्यादा होते हैं और जो गोट होते हैं उनके प्राइसेस थोड़े से कम होते हैं। अभी तो एक हफ्ता पहले जब जैसी एंड होने लगता है ना, हाँ हो सकता है, लेकिन ये कि जब बिल्कुल बकरा ईद करीब होती है ना तो उस वक्त जो रेट्स हैं ना वो वैसे ही बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये है कि पहले रख नहीं सकते, पहले रखने में ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी तो लोग जो है ना वो एंड में ही लेंगे, और एंड में ये होता है कि रेट्स जो है ना वो बढ़ा देते हैं।
तो हम बात कर रहे थे जानवरों के रेट के बारे में कि कम है या ज़्यादा, और लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है ना हमारा, वो बहुत ही बुरा रहा था। अलनाम से हमने परचेज़ किया था जानवर, उन्होंने कहा था कि वो वहीं पे कट करेंगे और सारे मतलब पीसेज वगैरह बड़े बड़े करके हमें बॉक्स की शक्ल में दे देंगे, लेकिन ना हमें नहीं लगता कि जो हमने पसंद किया था हमें वही मिला, तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमने इस साल यही किया कि जैसे हर साल हम अपने घर में ला के करते हैं, तो हमने इस दफ़ा भी अपने घर में ही ला के करना है इंशाल्लाह। तो अभी हम आ गए थे दारुसलाम मॉल अफरा को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड्स है ना वो वेट कर रही थी प्ले एरिया में उसका, तो बस हम यहाँ पे उसको ड्रॉप करेंगे और फिर घर जाएंगे वापस। तो ये जो है ना ये है स्टारबक्स, और अल्लाह करे यहाँ पे जो है ना कभी भी कोई कस्टमर ना आए और ये ख़त्म हो जाए इसी तरह इंशाल्लाह। बाय बाय अफरा, वो रही अफरा, बाय बाय। अफरा मज़े से खेल रही है। हम चलते हैं मॉस्क की तरफ और नमाज पढ़ते हैं मगरिब की। चलें जी, गेट से हम बाहर आ चुके हैं और ये सामने है मॉस्क, अब जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज हमने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की, और उसके बाद हम घर चले गए थे, और यहीं तक आज का व्लॉग था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। फी अमानल्लाह।